ऑल राइट गाइज, तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट करते समय एक प्रॉब्लम नोटिस की है। मैं यहाँ पे कुछ लॉगिन्स मार रहा था, कुछ ऐसा साइनअप कर रहा था, तो यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम नोटिस की है। उस प्रॉब्लम को हम लोग सही करने वाले हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम शुरुआत से नहीं आ रही, जब हम लोग ने APIs बनाई थी उस समय हम लोग ने परफेक्टली सही बनाई थी, बट हम लोग जब गेट यूज़र यूज़र की इन्फॉर्मेशन को गेट कर रहे थे उस समय दिक्कत हो रही थी। उस समय दिक्कत हो रही थी कि पासवर्ड आ रहा था और हमें वो पासवर्ड नहीं चाहिए था। ठीक है, सबसे पहले हमें एग्जैक्टली यहाँ पे हम थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक दिख गई तो हम सही कर रहे हैं पासवर्ड। ठीक है, तो ये पासवर्ड हम यूज़र DTO में जब हम लोग अपने बैकएंड में पास यूज़र को भेज रहे थे, तो ऑब्वियसली बात यूज़र DTO की हेल्प से हम लोग डेटा को भेज रहे थे वापस, और यहाँ पे हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन भेज दे रहे थे। जब कोई सपोज कोई आप कोई पर्टिकुलर यूज़र गेट करोगे तो वहाँ पे यूज़र ID आ जाएगी, नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, और पासवर्ड आ जा रहा था और अबाउट आ जा रहा था, रोल्स भी सारे चले जा रहे थे। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि जब बंदा गेट हो रहा है फ्रंट एंड पे तो हमें पासवर्ड इग्नोर कर देना है। ये हम लोगों ने किसी वीडियो में किया था, आई थिंक मुझे याद नहीं, बट हम लोगों ने किसी वीडियो में किया था, बट उसका सोल्यूशन यहाँ पे उसकी वजह से एक दिक्कत और हो गई है, और ये भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब हम लोगों ने इग्नोर कैसे किया, हम लोगों ने गेटर पे लगा दिया जेसन इग्नोर। अब जैसे हम लोगों ने गेटर पे जेसन इग्नोर लगाया तो इसने सेटर पे भी जेसन इग्नोर समझ लिया अपने आप से, मतलब अब ना पासवर्ड सेट हो रहा है ना पासवर्ड गेट हो रहा है। इससे प्रॉब्लम ये हो रही है, एक तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई कि जब आप चीज़ें गेट कर रहे हो उस समय पासवर्ड आपका नहीं आ रहा है, परफेक्टली पासवर्ड नहीं आ रहा है, ये तो सही हो गए। बट जब आप यहाँ पे कोई नया बंदा साइनअप भी करोगे तो पासवर्ड ब्लैंक सेट होगा, दैट मीन्स उस सेटर है ही नहीं तो ब्लैंक सेट होगा आपका। मैं दिखाता हूँ, जैसे हमने एक यहाँ पे ले लिया आशुतोष टेस्ट, एक नेम ले लिया आशुतोष टेस्ट, एंड यहाँ पे ले लिया आशुतोष @gmail.com, पासवर्ड मैंने कुछ डाल दिया, लिख देते हैं दिस इज टेस्टिंग वर्क, परफेक्ट है। अब हम लोग यहाँ रजिस्टर करेंगे तो आप देखिएगा, ये देखिए must not be empty, मतलब वो सेट ही नहीं हो रहा है, ब्लैंक जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे गेटर पे जेसन इग्नोर कर लिया। लेकिन हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, गेटर पे जेसन इग्नोर चाहिए, हम पासवर्ड को डायरेक्टली गेट ना कर सकें। सेटर पे हमें क्या चाहिए, सेटर पे हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब सेटर पे हमें इग्नोर नहीं करना, सेटर पे हमें डेटा चाहिए। अगर गेटर पे जेसन इग्नोर लगा दिया तो जेसन इग्नोर हो जाएगा गेट करते समय, ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब सीरियल जब हम लोग जेसन को बना रहे होंगे तो वो गेट इग्नोर कर देगा उस समय, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलो भाई, अब सेट करते समय भी इग्नोर हो गया अपने आप। पासवर्ड जब सेट कर रहे हो तो उस समय ऑब्जेक्ट में भी जाते समय जेसन आपका वहाँ पे इग्नोर हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंड हम लोग साथ ही साथ में क्या करते हैं, void set गेटर पे इग्नोर कर देते हैं, और सेटर जो बनाते हैं सेट पासवर्ड और हम लेते हैं स्ट्रिंग पासवर्ड, एंड हम लोग दिस डॉट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, और यहाँ पे हम लोग इग्नोर नहीं करना है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे जेसन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें, हमें गेट करते समय मतलब जब डेटा को ऑब्जेक्ट से जेसन में कन्वर्ट करना है, डीसीरियलाइज करना है, उस केस में हम लोग इग्नोर कर देंगे, और जब डेटा सीरियलाइजेशन होगा दैट मीन्स जेसन को ऑब्जेक्ट में जब कन्वर्ट होगा तब हमें ये प्रॉपर्टी इंक्लूड करनी है, जेसन प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने यहाँ लगा रखी। अब आई थिंक सही होगा, हम एक बार अपने बैकएंड को रीरन कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूँ आप पूरी सीरीज देखिए, पूरी सीरीज अगर आप देखोगे तो आप चीज़ें और अच्छे से समझ पाओगे। सो अब हम लोग अपना साइनअप मारते हैं, एंड अब हम लोग साइनअप करेंगे तो परफेक्टली हमारा यूज़र साइनअप हो चुका है, यूज़र आईडी हमारी आ गई है 21, यूज़र साइनअप हो चुका है। अब इससे साइनअप भी कर सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, लॉगिन भी कर सकते हैं, नॉट साइनअप, लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ हम इसको रिफ्रेश मारते हैं, एग्जैक्टली डेटा आ चुका है ashutosh@gmail.com, एंड पासवर्ड आई थिंक ABC था, तो हम यहाँ पे ashutosh@gmail.com एंड पासवर्ड ABC मारते हैं, लॉगिन होना चाहिए। एग्जैक्टली हमारा परफेक्टली लॉगिन हो गया, और यूज़र नेम इस बार हमारा ashutosh@gmail.com है, प्रोफाइल इन्फो अभी कुछ है ही नहीं, एंड परफेक्टली अब हमारा काम हो रहा है। अब हम एक बार देखते हैं क्या गेट करते समय पासवर्ड आया है कि नहीं आया। सो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एंड हम लोग लोकल स्टोरेज में देख लेते हैं, लोकल स्टोरेज से हमें पता चल जाएगा, लोकल स्टोरेज, एंड यहाँ पे ये पूरा डेटा हम लोग कॉपी करते हैं, लेट्स ट्राई टू कॉपी द डेटा, कॉपी, और हम लोग इधर ओपन कर लेते हैं नोटपैड, एंड यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, सो आप देखोगे हमारा आ रहा है यहाँ पे, ये तो टोकन आ रहा है सबसे पहला, दूसरी चीज़ यूज़र, यूज़र के अंदर आईडी है, नेम है, ईमेल है, अबाउट है, एंड रोल है, बस रोल में रोल की आईडी आ रही है, रोल की आईडी भी इग्नोर कर सकते हो आप क्योंकि आईडी दिखानी नहीं, यूज़र रोल नेम है, रोल अंडरस्कोर नॉर्मल। ठीक है, सो आप ये चीज़ भी अपने हिसाब से रख सकते हो, उसके अंदर कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक अब हम गेट नहीं कर पा रहे हैं यूज़र, एंड सेट कर पा रहे हैं यूज़र। तो ये हल्की सी अपडेट थी जो कि इंपॉर्टेंट अपडेट थी, और इसको मैंने किसी शायद फ्रंट एंड में ही ऐसा ही किया था,
बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने इसका सोल्यूशन देख लिया और मैंने इसकी एक अपडेटेड वीडियो बना दी। सो इंपॉर्टेंट वीडियो थी, जरूर देखिए। इसको मैं ऐड कर दूंगा अपने फ्रंट एंड वाले सीरीज में भी, साथ ही साथ में अपने बैक एंड की सीरीज में भी डाल दूंगा। सो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।